वेलकम टू रोशनी की दुनिया। चलिए मैं आज शेयर करती हूँ आप सभी के साथ गोभी की पकौड़े की इजी रेसिपी। ये मेरी इफ्तार सरीज की नौवीं वीडियो है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गोभी लिया है, इसके हरे भाग को हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। हम इसके अलग अलग टुकड़े कर लेंगे। आप इसे छोटे छोटे ही टुकड़े करना, जिससे कि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। यहाँ पे इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। एक स्पून नमक डालेंगे, इसमें हम गोभी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे, दो से तीन मिनट तक पकाएंगे। गोभी को पानी से निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। एक बाउल में बेसन डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, रेड चिली डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धनिया का पत्ता डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। हम सारे गोभी को बैटर में डालेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह से एक एक करके सारे गोभी को ऑयल में डाल देंगे। हम गोभी को पलट देंगे। हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हमारे गोभी फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं।